दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अपने चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आज आपको एक शहर का विज़िट कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि उस शहर में लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आज मैं आपको जिस शहर में लेके जाना चाहता हूँ उसको खुशबुओं का शहर कहा जाता है। वो कोई और नहीं, पेरिस है। जी हाँ, मैं आपको लेके जाऊँगा पेरिस। और अपनी नज़र से मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, मैंने क्या देखा पेरिस में, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा, चलते हैं अपने टूर की तरफ। तो दोस्तों, ये टूर था हमारा इटली के शहर मिलान से फ्रांस के शहर पेरिस का। और रात 8 बजे हमने बस ली और पहुंच गए पेरिस तकरीबन सुबह 8 बजे। तो जैसे ही पेरिस पहुंचे, वहां से फिर हमने फौरन एक सबवे ट्रेन ली और जनाब अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पर हमने रूम बुक करवाया था होटल में, वहाँ पहुँचे, चेंज किया, नाश्ता किया। और भाई, जैसे ही हम आए, बेताबी थी कि पेरिस आया और क्यों ना एफ़ल टावर की तरफ। तो सबसे पहले हमने नक्शा खोला, नक्शा खोल के हमने देखा कि भाई कौन सी ट्रेन कहाँ से मिलेगी हमें। तो फौरन दोस्तों, यहाँ पे नक्शा बहुत ज़रूरी होता है। एफ़ल टावर पहुँचने के लिए हमने फौरन सबवे ली। तो दोस्तों, पेरिस के बारे में आपको बताता चलूँ, पेरिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है फ्रांस का, बल्कि कैपिटल ही है। और दूसरा, ये यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल हब है। और आपको पता है ये बहुत महंगा भी है, याद रखिएगा। तो जैसे ही हम जो है वो यहाँ पहुँचे और एफ़ल टावर को दूर से देखते ही हमने जो है वो वीडियो बनाना शुरू कर दी। अभी करीब गए भी नहीं थे और हमने दूर से ही वीडियो बनाना शुरू कर दी कि वाह क्या शाहकार है। दूर से हम तस्वीरों में देखा करते थे, आज अल्लाह पाक ने हमें इसके करीब ला के खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, दूर से ही हमने इसकी वीडियो बनाना शुरू की और जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ते गए, ये और नज़र आता गया, बड़ा होता गया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, फ्रांस में आप पेरिस के किसी भी कॉर्नर पे खड़े हों, आपको एफ़ल टावर दूर से ही नज़र आ जाएगा। हम जैसे ही फ्रांस में दाखिल हुए थे सुबह 7 बजे, तो बस एक ऊँचाई से नीचे उतर रही थी और हमें दूर से ही नज़र आ रहा था। जैसे ही हम पहुँचे, फ़ौरन आफरीदी का स्टाइल हमने फ़ौरन लिया और हमने बड़ी यादगार तस्वीरें वहाँ पर खिंचवाईं। और पता नहीं कल यहाँ हो ना हो, कभी दोबारा हम पेरिस आना हो ना हो, तो हमने बड़ी फर्स्ट क्लास तस्वीरें खिंचाईं। दोस्तों, पेरिस के लोगों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि फ़ैशन के हवाले से बड़े ही कॉन्शियस होते हैं और आपको लड़का लड़की सभी बड़े फैशन इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर ये ग्लासेस, कैप्स और टी शर्ट्स इनका इस्तेमाल बहुत करते हैं। ये एक कदीम चर्च यहाँ पर बहुत मशहूर है और ये सबसे इनकी यादगार है पुरानी। तो एफ़ल टावर पे आप जब उसके नीचे खड़े होते हैं तो आपको तब अंदाज़ा होता है कि कितनी बड़ी एक बिल्डिंग है ये एफ़ल टावर। इतना बड़ा टावर है कि इसके अंदर एक ट्रेन भी चला करती है। अगर आपको अभी इस वक्त चल नहीं रही, वरना मैं आपको दिखाता। और ये इसके ऊपर तमाम अपनी जो नेपोलियन फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टाइम के जो भी इनके लीडर्स थे, नेपोलियन और जितने भी इनके जर्नल्स और जो भी इनके आते गए, उनके नाम यहाँ लिखे गए हैं एफ़ल टावर की इस वॉल के ऊपर। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखें कुछ ना कुछ नाम नज़र आ रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे अंदर ट्रेन भी चलती है, ऊपर पूरे टावर का टॉप का विज़िट भी कराती है। और ये यहाँ पर हमेशा, मैंने मतलब हम 2-3 दिन रहे, लेकिन जब भी आए हैं किसी वक्त भी हों, तो आपको 2-3 हज़ार से कम बंदा तो नज़र ही नहीं आता। तो मैं आपको भी नीचे से दिखाता हूँ कि ये नीचे से कैसा नज़र आ रहा है और ये ट्रेन कैसी चलती है। ये आपको दोस्तों तस्वीरों में बहुत छोटा नज़र आता है, या आपको भैरिया टाउन का एफ़ल टावर जो है वो वैसा ही नज़र आता तस्वीरों में, लेकिन जब करीब आते हैं, जब आप इसको करीब से देखते हैं, तो एक शाहकार है, एक नमूना है। तो हम यही सोचते थे कि यार ऐसा क्या है एफ़ल टावर में, लेकिन दोस्तों बिल्कुल आप जब करीब से इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल एक नया एक नमूना मालूम होता है। और हमें बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके कि यार हमने एक वो चीज़ देखी जिसको हम किताबों में देखा करते थे, न्यूज़ में सुना करते थे, और आज अल्लाह पाक ने इतनी तौफीक दी कि हम यहाँ तक पहुँचे और यहाँ देखने के लिए। अमेजिंग दोस्तों, एफ़ल टावर से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे आने के बाद, 1.5 किलोमीटर आगे आने के बाद, आपको एक ब्रिज नज़र आता है कि जो कि सिटी के अगले हिस्से को दिखाता है, कि सिटी जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है इस एक ओवर ब्रिज के बाद। और यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि एफ़ल टावर का टावर नज़र आ रहा है। और एक यहाँ पे एक चर्च है जो मैं गया, बड़ा ही एंटीक चर्च, बहुत पुराना चर्च और बड़ा ही खूबसूरत बनाया हुआ था। इस पुल को क्रॉस करने के बाद आपको वो एक मोनूमेंट नज़र आता है जहाँ पर लेडी डायना की एक्सीडेंट से डेथ हुई थी। ये मोनूमेंट लिबर्टी ऑफ फ्लेम के नाम से, ये एक फ्लेम बना हुआ है गोल्ड कलर का,
और ये एक यादगार के तौर पर बनाया गया, फ्रेंच गवर्नमेंट ने बनाया कि लेडी डायना की याद में लोग यहाँ पर आते हैं, फूल वगैरह रखते हैं और यहाँ पर लेडी डायना की तस्वीर रखी गई हैं और यहाँ पर लोग लॉक कनेक्ट करके मतलब ताला लगा के कनेक्ट कर दिखाते हैं कि हमारा कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ बहुत सारे ताले आपस में जुड़े होते हैं, सिम्बॉलिकली वो जोड़ के रखे होते हैं। और ये देख रहे हैं पूरी चेन लगी हुई, और वो पीछे जो आपको अंडरपास नज़र आ रहा है उसी अंडरपास में लेडी डायना की एक एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हुई थी। तो ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट था, एक ऐसी जगह थी, और पीछे देख रहे हैं आप यहाँ से भी एफल टावर आपको नज़र आ रहा है। तो ये वो जगह है, एफल टावर एक ऐसी जगह है जो कि आपको पूरे फ्रांस से हर जगह से ही नज़र आती है, और ये जान है फ्रांस की, इसीलिए एफल टावर को लोग फ्रांस के नाम से जानते हैं। मिकी माउस के साथ एक पोज, मिकी माउस की एक शॉप में एक स्टाइल था, वो मैंने सोचा कि मैं भी एक लगा लूँ ताकि मिकी माउस का स्टाइल जो है वो कॉपी कर लूँ। ये वो झूला है दोस्तों, यहाँ पे बड़ा ही ख़तरनाक झूला, और ये इसका जो 100 यूरो एक जो इसकी जो पूरी डोली है ना, जो उसका 100 यूरो रेंट है, और वो आपको प्रति माह आधे घंटे तक घुमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको इस वक्त वो झूले के पास लेकर आया हूँ जो दुनिया का सबसे महंगा और सबसे ख़तरनाक झूला है। ये आपको जो झूला नज़र आ रहा है ये रोडी पेरिस के नाम से जाना जाता है, और ये इतना ख़तरनाक झूला है कि जब इसको नीचे से खड़े होकर मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे लगा कि शायद मैं इस झूले में झूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही डेंजर है, आप सोच भी नहीं सकते, मैं आपको बता नहीं सकता। ये आप जब इसमें बैठते या इसको करीब से देखते तो आपको पता लगता कि ये कितना ख़तरनाक है, और इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, शायद आपको वीडियो में इतनी ज़्यादा लग भी ना रही हो, लेकिन जब मैं इसके नीचे खड़ा होकर मैंने इसको देखा तो यकीन माने कि मेरे होश व हवास उड़ गए थे कि ये इतना ख़तरनाक झूला कौन झूल पाएगा। इसके लिए एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग दिल गुर्दा चाहिए जो इस झूले में झूल सके। दोस्तों, फ्रांस का शहर पेरिस सकाफ़ती एतबार से यूरोप का बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है जब आप इसकी हिस्ट्री के बारे में जब पढ़ते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये किस कदर मुश्किल दौर से गुज़रा है, और उसके बाद जाके ये एक खुशबुओं का शहर कहलाने लगा। एक वक्त था जब यहाँ पर लोगों के पास वॉशरूम नहीं हुआ करते थे, और ये एक बदबूदार कौम थी, और आज ये दुनिया की खुशबू मानी जाती है। यहाँ की खुशबू, यहाँ के परफ्यूम लोग पूछते हैं, किसी से मंगवाते हैं तो कहते हैं पेरिस का है, तो एक नाम ही जो है वो टैग लाइन बन गया है। आप जिस वक्त फोर्ट देख रहे हैं, ये सामने जो आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये शहदा की याद में, जो कि 17th century 1718 century में जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान शहीद हुए, ये उनकी याद में एक फोर्ट बनाया गया, और यहाँ नीचे उनके अननोन फौजियों के मकबरे भी बने हुए हैं। एफल टावर जो कि एक फ्रांस की यादगार। दोस्तों, ये पॉन्ट अलेक्जेंडर 3 है जो कि 1900 में बनाया गया था, ये 100 साल पुराना ब्रिज है, और ये एफल टावर जो कि दूर से ही आपको नज़र आता है, और बेहतरीन मनाजिर हैं इसके कि शहर के दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं। रात में देखें किस तरह लाइटों के साथ चमक रहा होता है ये एफल टावर, बहुत ज़बरदस्त मंजर पेश करता है, और ये लाइटों का शहर भी बन जाता है रात में। मोनालिजा जो कि फ्रेंच के नाम से, डिवेंची फ्रेंच, ये भी एक फ्रेंच मशहूरी है जो आपको नज़र आती है। फिर हमने यहाँ पे रात को वापसी का सफ़र तय किया, और हम सुबह दोबारा इटली पहुँच गए। ये सफ़र मेरी ज़िंदगी के यादगार सफ़र्स में से एक है कि मैं यहाँ पर जिस तरह से दिन और रात गुजारे, 2-3 दिन में जो यहाँ पर रहा, मुझे बहुत मज़ा आया, और ऐसा लगा जैसे कि मैं एक तारीखी शहर में आया हूँ, और बड़ी यहाँ पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आती हैं, जो आर्किटेक्चर कल्चर नज़र आता है, वो आपको एक 17th-18th century की याद दिलाता है कि उस वक्त से अब तक यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स इन्होंने ऐसी प्रिजर्व करके रखी हैं, बेहतरीन। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको फ्रांस के शहर पेरिस का टूर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और विलेज और मवेशी मंडी की तरफ लेके जाऊंगा, चूँकि बकराईद का सीज़न है, ये दो चीज़ें मैंने आपको ज़रूर बतानी है, एक विलेज टूर और एक बकराईद। खुदा हाफिज़।